ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रंजीत कुमार, सीनियर फैकल्टी ऑफ साइंस, संस्कार स्कूल मथाने। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ क्लास का ईवीएस सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट। नेम ऑफ चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस, यानी हमारे रिश्तों की समझ, तो चैप्टर का हेडिंग हो गया हमारे रिश्तों की समझ, अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर मेनली हम 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। वो 5 पॉइंट्स हैं ये: नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 रिलेशंस, नंबर 3 हेरिडिटी या हेरिडिटरी फीचर्स, नंबर 4 एडॉप्शन एंड नंबर 5 माइग्रेशन। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 फैमिली। स्टूडेंट्स, फैमिली हम किसको बोलते हैं? जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ रहते हैं। एक साथ रहने वाले सारे आपस में रिलेटिव ही होते हैं। तो फैमिली बेसिकली दो टाइप में जो है डिवाइड है, और दो टाइप फैमिली के हैं। वो है, फर्स्ट है न्यूक्लियर फैमिली, देन सेकेंड टाइप है ज्वाइंट फैमिली। स्टूडेंट्स, नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर फैमिली का मतलब होता है एकल परिवार, यानी अकेले परिवार, ऐसे परिवार जो अकेले हैं। और ज्वाइंट फैमिली नाम से पता चल रहा है वो है संयुक्त परिवार, यानी एक से ज्यादा फैमिली जो है ज्वाइन हो रखी होती है, ज्वाइंट फैमिली। अब इनमें अपन बेसिक जो है डिफरेंस वो पता करेंगे कि न्यूक्लियर फैमिली और ज्वाइंट फैमिली में बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या होता है। तो इसमें 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नाम से पता चल रहा है कि न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो कैसी होती है। न्यूक्लियर फैमिली जो है छोटी फैमिली होती है, यानी स्मॉल फैमिली। अब दूसरा डिफरेंस हम पता करें, तो दूसरा पॉइंट बात करें न्यूक्लियर फैमिली का, तो नाम से पता चल रहा है अगर फैमिली स्मॉल है तो उसमें मेंबर्स की संख्या कैसी होगी। छोटी फैमिली में मेंबर कम होंगे, तो सेकंड इसका डिफरेंस हो जाएगा लेस मेंबर। अब थर्ड पॉइंट इसका डिस्कस करें तो वो होता है कि अगर फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है और स्मॉल फैमिली है, उसके अंदर अगर कम लोग रहते हैं, लेस मेंबर रहते हैं, तो उस फैमिली के अंदर जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कौन करेगा? उनकी देखभाल उनके पेरेंट्स ही करेंगे, क्योंकि उन बच्चों के अलावा और पेरेंट्स के अलावा न्यूक्लियर फैमिली में और मेंबर होते ही नहीं है। तो लिखेंगे चिल्ड्रंस टेकिंग केयर बाय पेरेंट्स, यानी देखभाल सिर्फ उनके खुद के पेरेंट्स के द्वारा ही की जाएगी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं ज्वाइंट फैमिली की तरफ। ज्वाइंट फैमिली के भी मिनिमम 3 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। तो कंपैरिजन में बताइए, फर्स्ट पॉइंट है न्यूक्लियर फैमिली का स्मॉल फैमिली, तो इसका उल्टा ऑपोजिट ज्वाइंट फैमिली में क्या हो जाएगा? फैमिली कैसी हो जाएगी? बिग फैमिली, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में एक से ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली साथ में रहती है, इसलिए उनको
बिग फैमिली कहते हैं। सेकेंड पॉइंट डिस्कस करें तो सेकेंड पॉइंट न्यूक्लियर फैमिली का था लेस मेंबर। तो ज्वाइंट फैमिली का सेकेंड पॉइंट हम बनाएंगे, वो बनाएंगे क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में मेंबर कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं, मोर मेंबर्स। और थर्ड पॉइंट इसी के कंपैरिजन में हम ज्वाइंट फैमिली का बनाए तो ज्वाइंट फैमिली में चिल्ड्रंस की केयर कौन करेंगे, चिल्ड्रंस की केयर उनके खुद के पेरेंट्स के अलावा फैमिली के और मेंबर, जैसे कि बच्चों के चाचा है, चाची है, ताऊ है, ताई है, दादा है, दादी है, बुआ जी है, कोई भी, तो वो भी देखभाल कर सकते हैं। तो पिवट लगेंगे चिल्ड्रंस टेकिंग केयर बाय पेरेंट्स एंड अदर्स। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम, थर्ड पॉइंट था ज्वाइंट फैमिली का कि अगर फैमिली ज्वाइंट है तो ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा लोग रहते हैं, बिग फैमिली होती है, तो उनकी यानी बच्चों की देखभाल ज्वाइंट फैमिली में कौन करेगा, उनके खुद के पेरेंट्स के अलावा अदर लोग, यानी कि चाचा है, चाची है, ताऊ है, ताई है, दादा दादी, बुआ जी, अदर जो भी है, वो भी बच्चों की देखभाल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे रिलेशन। स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं, यानी कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके रिलेशन दो मेन फैमिलियों से होते हैं, एक उसके फादर की फैमिली और एक मदर की फैमिली। तो इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा चार्ट बनाऊंगा, वो ऐसे बनेगा जैसे कि मान लो ये कोई इंडिविजुअल है, सेल्फ खुद है, ये बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है, तो इसके रिलेशन दो फैमिलियों से होंगे, एक होगी उसके फादर की फैमिली, एक होगी मदर की फैमिली। फादर की फैमिली जो होगी उसको नाम देंगे हम पैटर्नल रिलेशन। और मदर की फैमिली होगी उनको नाम देंगे मैटरनल रिलेशन। ओके, मैटरनल रिलेशन एंड पैटर्नल रिलेशन। तो कोई भी इंडिविजुअल है उसका सबसे, अगर इसके एक पेयर की इधर वाले की बात करूं पैटर्नल रिलेशन की, तो इसका सबसे पहले नजदीकी रिलेशन जो होगा वो होगा अपने फादर के साथ, वो होगा फादर के साथ, फादर। फादर के बाद इसका रिलेशन जो होगा अपने ग्रैंडफादर के साथ होगा, जिनको हम कहेंगे ग्रैंडफादर भी हो सकते हैं, ग्रैंड मदर भी हो सकती है, इसलिए साथ में कहेंगे ग्रैंड पेरेंट्स। इसके बाद इसका रिलेशन होगा वो होगा ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि सबसे पहले फादर, उसके बाद ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर, जिनको हम ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं, दादा और दादी। ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कहते हैं अपन परदादा परदादी। तो ये तो हुआ इसका एक चेन जो कि पैटर्नल रिलेशन को शो करता है। दूसरा इसका रिलेशन नजदीकी रिलेशन होता है वो होता है मदर की फैमिली से, तो सबसे नजदीकी रिलेशन मदर। उसके बाद मदर की मदर और फादर यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स और उसके बाद
great grandparents. Great grandparents yani माता नाना नानी पर नाना और पर नानी एक तरह से. तो ये हमने दो पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पे. फर्स्ट पॉइंट था फैमिली और सेकंड पॉइंट था वो था रिलेशन. थर्ड पॉइंट जो है इसका वो हम डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैं इस पूरे मैटर को यहाँ से रब करूंगा. तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया. थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है हेरिडिटेरी या हेरिडिटी. हेरिडिटी एक वर्ड और होता है इसका, वो होता है जेनेटिक्स. जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी. आनुवंशिकी इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक पीढ़ी के गुण जो है दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होना. जैसे कि पेरेंट्स के जो भी गुण है वो उनकी संतान में उनके बच्चों में ट्रांसफर होना, उनको बोलते हैं जेनेटिक्स. हेरिडिटेरी फीचर्स या हेरिडिटी. तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं. डेफिनेशन होगी फीचर्स विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन. यानी F1 जेनरेशन से F1 जेनरेशन टू F2 जेनरेशन. स्टूडेंट्स ये हेरिडिटी के बारे में या जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करके बताने वाला जो साइंटिस्ट था उसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल. ग्रेगर जॉन मेंडल इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में लिख रहा हूं. ग्रेगर जोहन मेंडल इसने सबसे पहले एक टी प्लांट यानी कि मटर के पौधे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और ये रिसर्च करके ये शो कर पाने में ये सफल हुआ कि जो F1 पीढ़ी के F1 जनरेशन के जो फीचर्स होते हैं वो F2 जनरेशन में जो है ट्रांसफर होते हैं. F2 जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और उन्हीं फीचर्स को हम कहते हैं हेरिडिटेरी फीचर्स यानी आनुवंशिकी गुण उनको कहते हैं. इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक्स या हेरिडिटी का जो है रिसर्च करके और उसको सफल रूप से समझाने में यह सफल हुआ था साइंटिस्ट ग्रेगर जॉन मेंडल. तो इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं. फादर ऑफ जेनेटिक्स इसी की रिसर्च को आगे बढ़ाने में हमारी कंट्री इंडिया का एक साइंटिस्ट बॉटनिकल साइंटिस्ट उसने भी सेम ऐसे ही रिसर्च की और उसने भी बताया था. उसका नाम था डॉक्टर हरगोविंद खुराना. पिछले 3 सालों में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर में से कि हेरिडिटी या जेनेटिक्स को बताने वाले 2 साइंटिस्ट के नाम लिखो. तो उसमें इन दोनों के नाम बताने होते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल और डॉक्टर हरगोविंद खुराना. नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले ही रब कर रहा हूं मैं.